धर्मगुरु तौकीर रजा के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हैसियत नहीं है कि कोई ऐसा बयान दे, अगर दिया है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी कि उसके आने वाले पुश्ते याद रखेंगे। यूपी में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको बता दें कि नंदगोपाल नंदी कानपुर में समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। आज यूपी सीटा की शांत हो भैया, शांत बनने के बाद यहाँ पर मैं ऑडियो आ रही है। अरे रोहित में भी आ रही है, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तुम तक टाइम कौन है आईटी ठीक करे फ्रेम खराब होने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जेएमडी ऊपर पूरी दुनिया में भर करके आ रहा है, अग्रणी है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है। मुंह पे ना उठो, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बहादुर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने इस प्रदेश में गुंडों के खिलाफ, अपराधी माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। आज पूरी दुनिया में दिख रही आपकी आ रही मेरे पास, जैसे भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए। उसमें सीडा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।